मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो इस खून का शेयर किया जाए सारी दुनिया के साथ। ये खून नाहक नहीं है, ये फलस्तीन और गजा के लिए खड़े हुए एक्टिविस्ट का है। उनका ताल्लुक किसी जमात से हो, किसी मजहबी नुक्ता नजर से हो, मुझे इससे सरोकार नहीं। यहाँ जमा था, ये धरना हो रहा था फलस्तीन के लिए, गजा के लिए, और हम भी सब इसी चीज के लिए खड़े, हम सब एक ही कॉज के लिए यहाँ जमा है। मैं पूछती हूँ कि ये किसने ये खून किया, नजर नहीं आता। ये तो किसी गाड़ी के गुजरने की जगह नहीं है, ये जगह कॉर्डन्ड ऑफ थी। किसने आके ये किया? और जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर है उसका नाम क्यों नहीं FIR में आ रहा? जो चला रहा था उसकी वल्दियत क्यों नहीं आ रही? ये सवाल है करने के और जवाब चाहिए। और ये देखिए, ये सब देखें, ये कहाँ है, ये कौन सी जगह है? ये डी चौक है, पीछे हमारे प्रेसिडेंसी है। ये एक क्लोज्ड ऑफ कॉर्डन्ड ऑफ एरिया है, यहाँ कोई गाड़ियां नहीं चलती, दिन हो या रात हो, रैशनी हो या नॉट रैशली ड्रिवन हो। ये सोचने की बातें हैं। जब हम कोई बात करते हैं तो हम 3 दिन की अजियत और कर के बाद हम यहाँ पे जमा हैं। आज इस वक्त नमाज जनाजा हो के चुका है, 2-2 नमाज जनाजा हो के चुके। खुदा करे कि जो बहुत जख्मी हैं उनको सेहत हो और शिफा मिले। लेकिन ये जो लोग अभी तक डाउटिंग कर रहे हैं और मान नहीं रहे, मानने से इनकार कर रहे हैं, हम पूछते हैं क्यों तुम किसकी बोली बोल रहे हो? ये हमारा सवाल होना चाहिए। हमें तो रोजे रोशन की तरह आया है कि क्या हो रहा है यहाँ। ये खून देखिए और इबरत हासिल करें। हम सबको निशाने पर रखा हुआ है और हमें इस पर कोई एक रत्ती बराबर भी हमें कोई ये नहीं है, डाउट नहीं हम कर सकते कि हम सब निशाने पर हैं। और जो यहाँ आते हैं वो अपनी जान को हथेली पर रख के आते हैं, वो अपनी कॉज की कमिटमेंट के लिए आते हैं और किसी और वजह से नहीं आते।